हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक पुलाव और उसके साथ खाने वाली ये टमाटर की खट्टी चटनी। इसे आप वन पॉट मील भी कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ आपको कोई रोटी या सब्जी अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी आपको लंच या डिनर में जल्दी से कुछ बनाना हो, आप ये रेसिपी एक बार बना के जरूर देखिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो सबसे पहले हम चावल को पकाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरी चावल को दो बार पानी से धो लिया है और उसे गैस पे रख दिया है मीडियम आंच पर। चावल में हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। जी हाँ, चावल को कभी भी पकाते वक्त ही उसमें नमक डाला जाता है। चावल हमें अच्छे से पका लेना है, आप उसे ओवर कुक बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो वो बहुत ही स्टिकी और चिपके हुए बनेंगे। तो चावल से पानी आप कुछ इस तरीके से निकाल दीजिएगा और चावल को एक प्लेट में निकाल कर आप ठंडा कर लीजिएगा ताकि चावल बहुत ही अच्छे से खुले खुले बने। तो कुछ इस तरीके से आप बड़ा प्लेट लीजिएगा और उसमें चावल को अच्छे से फैला लीजिएगा ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 300 ग्राम पालक। तो यूके में जो पालक आते हैं उसके पत्ते काफी छोटे होते हैं तो मैं इसे चॉप नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास जो पालक है वो काफी बड़े पत्तों के हैं तो आप उसे चॉप कर लीजिएगा। तो बड़े बर्तन में आप पानी लीजिएगा और उसमें ये पालक को डाल दीजिएगा। तो मीडियम आंच में हम इसे एक उबाल आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। तो जब तक पालक उबल रहा है, पुलाव में डालने के लिए हम एक अच्छा हरा पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए आप ले लीजिए एक कटोरी हरा धनिया और कुछ 8 से 10 कड़ी पत्ते और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो मिक्सर में हम बिना पानी मिलाए पहले इसे पीस लेते हैं। अब इसमें 1/4 कप पानी डाल दें और इसे फिर से एक बार मिक्सर में पीस लें। तो एक बहुत ही अच्छा हरा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे एक कटोरी में निकाल लें। तो हरा धनिया पीसने के बाद काला पड़ने लग जाता है तो इसका कलर हरा ही रहे और पुलाव में बहुत ही अच्छे से इसका हरा कलर आए उसके लिए आप उसमें डाल दीजिए आधा नींबू का रस। इससे होगा ये कि पुलाव में नींबू का एक अच्छा खट्टापन भी आएगा और जो पुलाव का कलर है वो बहुत ही अच्छे से हरे रंग का आएगा। तो आप जब भी हरे धनिया की कोई चटनी बना रहे हो याद रखिएगा कि आप उसमें नींबू मिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पालक में एक अच्छा उबाल आ चुका है तो गैस को कर दीजिए आप ऑफ और उसके बाद पालक को कुछ इस तरीके से आप छान लीजिएगा। तो यहाँ आपको ये थोड़ा ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ताकि पूरे पालक अच्छे से छन जाए और वो ज्यादा ओवर कुक ना हो। तो छानने के बाद आप उसे इमिडिएटली ठंडे पानी में डाल दीजिएगा ताकि उसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए और उसका हरा रंग पुलाव में बहुत अच्छे से आए। तो कढ़ाई को रखें आप मीडियम फ्लेम में और उसमें डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच तेल। आप चाहे तो यहाँ घी का भी यूज कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर सिर्फ तेज पत्ता डाला है, आप चाहे तो यहाँ 4 लौंग और 2 इलायची भी डाल सकते हैं। एक मीडियम आकार का प्याज मैंने यहाँ बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो प्याज डालने के बाद हमें इसे थोड़ा पकाना है, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है। तो जो पालक है वो ठंडा हो चुका है तो उसे छान कर आप मिक्सर बाउल में डालें और उसे एक फाइन पेस्ट बना लें। तो प्याज थोड़ी से नरम हो चुके हैं तो उसमें मैंने डाल दिया है 1 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक काट कर। तो अदरक डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट और पकाया है और उसके बाद आप डाल दीजिए जो ग्रीन पेस्ट हमने पहले से बनाकर रखा हुआ था, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और नींबू का। तो ग्रीन पेस्ट डालने के बाद हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो इसी वजह से जो प्याज है उसे मैंने पहले ब्राउन होने तक नहीं पकाया था क्योंकि प्याज इसके साथ भी थोड़ा और फ्राई होगा। तो आप इसे कंटिन्यू चलाते जाएं ताकि ये बर्तन से नीचे चिपके ना। तो मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/2 कप हरा मटर। तो मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर यूज किया है जो खाने में बहुत ही नरम होते हैं और पकाने में जल्दी पक जाते हैं। तो मटर डालने के बाद हमें इसे करीबन 2 मिनट के लिए और पकाना है। तो जब मटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आप डाल दीजिए पिसा हुआ पालक का पेस्ट। तो पालक को हमने पहले ही उबाल लिया था तो यहाँ इसे पकाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो पालक को आप मटर और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक डालते वक्त आप याद रखिएगा कि चावल में भी आपने पहले थोड़ा नमक डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लें। और जब तक पालक पक रहा है हम बना लेते हैं इसके साथ खाने वाली टमाटर की चटनी। तो कढ़ाई को रखिए आप मीडियम फ्लेम में और उसमें डाल दीजिए आप 2 से 3 चम्मच तेल। और तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच सरसों। और सरसों जब चटकने लग जाए, पॉपअप होने लग जाए, आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा।
और उसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए 8 से 10 मेथी के दाने। तो मेथी का दाना आप यहाँ जरूर डालिएगा, उससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद आप डाल दीजिए 3 से 4 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने यहाँ फाइन चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्च। याद रखिएगा, हरी मिर्च को आप यहाँ पर लंबाई में ही काटिएगा। तो लहसुन और मिर्च को हम थोड़ा सा यहाँ पर पकाएंगे। ये चटनी छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस है, तो आप इसे सिर्फ पालक पुलाव के साथ ही नहीं, किसी और पुलाव के साथ या किसी चीला के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। तो लहसुन और मिर्च यहाँ पर थोड़े फ्राई हो चुके हैं, उसके साथ ही आप डाल दीजिए इसमें रफली चॉप 4 से 5 टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक, ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिएगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो टमाटर लेते वक्त आप यह याद रखिएगा कि टमाटर अच्छे रस वाले होने चाहिए, कच्चे टमाटर आप यहाँ पर यूज मत करिएगा। तो हमें इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाना है। और चलिए देखते हैं पालक पक चुका है कि नहीं। जी हाँ, पालक अच्छे से पक चुका है। तो 5 मिनट पकने के बाद ये जो पालक है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें अब आप डाल दीजिए पका हुआ चावल, जो हमने पहले से ठंडा करके रखा हुआ है। तो डालते वक्त आप याद रखिएगा कि इसमें कोई भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। तो चावल डालने के बाद आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। याद रखिएगा कि चावल को आप बहुत ही स्पीड से या दबा के मिक्स मत करिएगा, नहीं तो चावल इससे टूट जाएंगे। तो गैस आप कर दीजिए लो फ्लेम में, और जब तक चावल में पालक का फ्लेवर आ जाता है, तब तक हम देखते हैं कि टमाटर की चटनी कहाँ तक बनी है। और 2 मिनट के बाद जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो चुके हैं, तो आप चम्मच की सहायता से कुछ इस तरीके से उसे मैश कर लीजिएगा, ताकि उसका जो रस है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाए। तो इसे ढककर हमें 5 मिनट के लिए फिर से पकाना है। तो जो पालक पुलाव है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इसे निकालिए एक सर्विंग बाउल में और देखिए पालक का कितना अच्छे से ग्रीन कलर आया हुआ है। और इसके साथ खाने वाली चटनी भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। तो चलिए देखते हैं चटनी कहाँ तक बन चुकी है। चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, टमाटर से उसका रस अच्छे से निकल चुका है। और लास्ट में आप इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ धनिया, जिसकी वजह से जो चटनी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो गर्मा गर्म पालक पुलाव आप चटनी के साथ सर्व करें, और उसके साथ आप सैलेड और पापड़ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको पालक और चटनी की रेसिपी कैसी लगी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।